आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के फॉर्म के बारे में और आप सभी के एग्जाम कब से चालू होने वाली है, पार्ट वन, पार्ट टू एवं पार्ट थ्री। इन सारी पार्ट वन, पार्ट टू एवं पार्ट थ्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब से कब एग्जाम होने वाली है और आप सभी का फॉर्म कब से कब तक भराने वाली है। तो इसमें हम आप सभी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स का बात करेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये जो जिस भी स्टूडेंट्स आते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो 3 को ख़त्म हो चुकी है। जैसा कि आप ये नोटिस देख सकते हैं, ये पहले का नोटिस था। उसके बाद मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाता हूँ जिससे आप कन्फर्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम का फॉर्म और एग्ज़ाम कब से जो है चालू होने वाली है। ठीक है, तो ये जो 2-3 और 2020 का जो नोटिस आया था, देखिए उसमें दिया गया था सब्जेक्ट रिगार्डिंग द डेट्स ऑफ कलेक्शन एंड वैलिडेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन हो रही थी उसमें जिस भी स्टूडेंट्स को कलेक्शन करना था उनको लेकर के एक नोटिस आई थी, जिस नोटिस में आपको यहाँ पर दिया गया था। एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ पिछले नोटिस का, आप सभी को ये पता ही होगा, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बाद में एक प्रूफ भी दिखाता हूँ जिसमें आपको फॉर्म भरने और एग्जाम का डेट जो है आपको एक जो है सो बता दूंगा कि आपको उसका एक प्रूफ भी देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया गया है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ 3-3-2020। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट था वो 3-3 को ख़त्म हो गया था। यूर मेक नेसेसरी करेक्शन अवेलेबल फॉर योर एंड, तो वो जो करेक्शन था वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो आपको 3 से लेकर 4 तक जो है आपको जमा करना था। एंड लिंक फॉर द वैलिडेशन, सही करने का जो लिंक दिया जाएगा वो 3 से लेकर 5 तक जो आपका कॉलेज आपको सही करके डॉक्यूमेंट्स को सुधार करेगा। तो देखिए पहले रजिस्ट्रेशन जो होती है, सॉरी फॉर्म जो भरा होती है वो जो होती है जस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो 18 थी, 18 के बाद 29, 29 के बाद जो 3 हुआ, तो 3 के बाद जैसे आप लोगों का फॉर्म भरना चालू हो जाता। बट यहाँ पर हुआ क्या, सो आप लोगों का कलेक्शन को लेकर के एक नोटिस आई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है, तो इस वजह से इसका कलेक्शन होगा और उसके बाद फॉर्म भराएंगे। अब फॉर्म भराई होगी तो अब देखिए इसका जो कलेक्शन है 7 से 7 तक है, इसका जो है 8 से आपको फॉर्म भरा चालू हो जानी चाहिए। ठीक है, 8 से कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक फॉर्म भरने का आपको प्रूफ जो मैं बोला हूँ आपको प्रूफ दिखाता हूँ, बट 8 से हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ एग्जाम डेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था, सॉरी इसको नोटिस तो नहीं कर सकते, एक शेड्यूल कर सकते, शेड्यूल जो आपको जारी किया था इसमें 5 मई दिया गया था। ठीक है, बट इसमें कुछ जरूरी नहीं है कि 5 मई से ही एग्जाम हो, इसमें बहुत सारे कलेक्शन हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे पता है, देख सकते हैं 19-22 सेशन का पार्ट वन का जो एग्जामिनेशन है वो 5 मई से है। ठीक है, और 18 से 21 तक का जो है वो जो है पार्ट वन का वो 16 अप्रैल 2020 से है। तो इसमें कंफर्म नहीं है कि इस डेट से ही एग्जाम होगी। तो चलिए मैं आपको जो मैं बताया हूँ वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए आपको शायद दिख रहा होगा ये 6 पेज नंबर 6 है, बट यहाँ देखिए दैनिक जागरण पेपर है और पटना 4 मार्च 2020 ही, यानी कि आज का ही न्यूज है। और ये जो दैनिक जागरण का न्यूज़ पेपर है उसका कटिंग मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ दिया गया है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा 3 अप्रैल से। ठीक है, अब स्नातक इसमें जो है सो कन्फर्म करके नहीं दिया गया है कि स्नातक परीक्षा में कौन सा पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3, इसमें जो है ये कन्फर्म करके नहीं दिया गया। ठीक है, तो मैं आप सभी को इसको डिटेल से बताता हूँ। देखिए यहाँ दिया गया है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा 3 अप्रैल से, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स की परीक्षा 3 अप्रैल से प्रारंभ होगी। इसकी जानकारी मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर GCR जायसवाल ने विश्वविद्यालय पदाधिकारियों के साथ बैठक में कही। तो देखिए यहाँ पे नोटिस जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस आई है उसमें तो नहीं कही गई है, बट बैठक में जो कुलपति हैं वो उनके द्वारा कहा गया है कि 3 अप्रैल से होगी, लेकिन इसमें जो है आपको कन्फर्म नहीं बताया गया कि किस पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 का, वो नहीं बताया गया 3 अप्रैल से होगी। तो एग्जाम जो है जो भी पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 की एग्जाम होगी वो 3 अप्रैल से तो होनी ही है, चाहे पार्ट 1 का हो या पार्ट 2 का या पार्ट 3 का हो। उसके लेकर के जो है आप लोग का फॉर्म भरा है, जो है फॉर्म भरने की जो है फॉर्म फिलअप करने की वो बहुत जल्द ही चालू होने वाली है, यानी कि 7-8 से 9-10 के आसपास जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को एग्जाम को ज़्यादा समय नहीं है, ये कुलपति द्वारा कहा गया है, बट ये भी कोई भी नोटिस अभी अपलोड नहीं किया गया है, जो कहेंगे वही तो नोटिस के तौर पे आती है। तो ठीक है, तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार 7 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे, सुधार की जिम्मेवारी सभी कॉलेज के प्राचार्य और विभागाध्यक्षों को दी गई है। तो ये कॉलेज के द्वारा आप जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए होंगे तो सही करने के लिए वो उनके द्वारा ये सुधार करने का जिम्मेवारी दी गई है।
त्रुटि सुधार के बाद परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी की जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रुटि सुधार के बाद परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी की जाएगी। जी हाँ, आप लोगों को पता है कि 7 तारीख तक जो है त्रुटि जो भी गलती करेक्शन है उसको करेक्शन करने का जो है 7 तारीख तक लास्ट देता है, 7 मार्च तक, उसके बाद ही जो है परीक्षा फॉर्म भरी जाएगी। तो 7 मार्च के बाद आप सब एग्जाम फॉर्म भरी जा सकती है। और जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 3 अप्रैल से एग्जाम चालू होने वाली है, तो 3 अप्रैल से एग्जाम चालू होने वाली है। इसमें इसको लेकर के कोई भी part 1, part 2 या part 3 ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।